बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय। अच्छा जी बताओ भैया, सगरे जहाँ पे बैठे हैं बाबा के दरबार आप लोग जाते हो, बाबा से जब पहली बार मिले तो क्या अनुभूति थी, और बार बार जब जाने लगे तो कैसा लगा? अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा या एकदम बाबा से रिश्तेदारी जुड़ गई और आनंद आने लगा? हाँ तो जे कहो ना, फिर ये क्यों कह रहे हो कि अच्छा लगा? अच्छा तो हर एक से मिलके लगता है, लेकिन जब हम अपने पिता से मिलते हैं, अपने परमेश्वर से मिलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता भैया, तो आनंद आता है। और मैं तो बहुत आवे, तुम तो आवे ना आवे। तो ऐसे ही एक प्रेमी बाबा के दरबार गया, पहली बार गया, बाबा को देखा, आहा क्या स्वरूप बाबा का। एक ही बार मिलने गया था सुन के कि हाँ मालक दातार बैठे हैं, उनसे मिलो जाके। अब जब लौट के घर आया मन बेचैन होने लगा। अब वो बार बार कैलेंडर में तारीख देखे कि भैया उजाली ग्यारस कब आवेगी, कब मैं बाबा के दर्शन करने जाऊंगा, हर बार कैलेंडर देखे। फिर दोबारा गया, बड़ा खुशी खुशी जाते टाइम सफ़र का पता नहीं चला। लौट के जब आने लगा तो वही सफ़र जो उसका 3-4 घंटे का था, उसको ऐसे लगने लगा जैसे पता नहीं पूरा दिन लंबा सफ़र हो गया, 24 घंटे हो गए मुझे चलते चलते, मैं घर ही नहीं पहुंच रहा हूं। क्यों? वो तन से तो वापस आ गया, लेकिन मन भैया बा को हमारे बाबा के चरण अंत रह गो खाटू में। अब एक दिन बहुत परेशान हो गया, कहने लगा बाबा महीने में 11 आती है तभी तेरे दर्शन होते हैं, मैं तो तुझसे मिलने आया था, तूने ये क्या कर दिया मेरे ऊपर, कैसा जादू किया है? और मेरे सांवरे सरकार सुन, दुनिया तो केस करती है इंसानों पे, लेकिन मैं पहला ऐसा होऊंगा जो केस करूंगा भगवान पे। बोलो हारे के सहारे की जय। अब साहब पहुंच गया 11 पे बाबा के दरबार में, और कहने लगा बाबा या तो अपने प्यार का जादू कम करो मेरे पे से, या मैं सोच के आया हूँ इस बार कि मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। बाबा ने पूछा क्या करेगा? कहने लगा रे बाबा सुनो, अब मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा, तुमने मुझे बावला बना दिया, पागल बना दिया, मुझे तुम्हारे सिवा चारों तरफ कुछ नजर नहीं आता। जब आता हूँ दर पे तुम्हारे तो सफर मेरा घंटों का मिनटों में पूरा हो जाता है, और जब तुमसे मिल के जाता हूँ ना बाबा, वो सफर मेरा मिनटों का घंटों में सदियों में बदल जाता है। तो बाबा ये जो जादू तुमने किया है ना, इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। तो बाबा ने पूछा अच्छा बता तू करेगा क्या? कहने लगा बाबा सुनो अब मैं क्या करूंगा, तेरी ही अदालत में ही होगी सुनवाई हमारी। बाबा कोर्ट भी तेरी होगी, अदालत भी तेरी होगी, वकील भी तू होगा, जज भी तू होगा, और देख ऐसी कृपा है मेरे प्यार की और मेरे सम्मान की तेरे लिए कि तू तो मोर छड़ी वाला है, तू तो भगवान है, लेकिन मैं सिर्फ तेरा प्यारा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो ऐसी कृपा बरसाई है तूने, अब क्या होगा कि मुजरिम भी तू ही होगा। बाबा ने कहा कैसे? कि बाबा सुनो, तेरी ही अदालत में ही होगी सुनवाई हमारी। अरे सांवरे सरकार, मैं तुम पर केस करूंगा मेरे बाबा लखदातारी। बोलिए हारे के सहारे की जय।
लेकिन जब से तुमसे नैना मिला के गया हूँ ना, आहा, अब तो पूरी दुनिया ऐसी लगती है खाली खाली। चारों ओर तुम ही नजर आते हो, लेकिन बाबा ये प्यार के जाल में तुमने मुझे फंसाया क्यों? तो सुनो, अनजान था मैं तुमसे, अरे तुम तो जानते थे। नादान है परिंदा क्यों मुझको फांसते थे। अनजान था मैं तुमसे, तुम तो जानते थे। नादान है परिंदा क्यों मुझको फांसते थे। और अब जब फंसा लिया है ना तुमने बाबा, तो सुनो, तुमने वकील कौन होगा, जज कौन होगा, मुजरिम कौन होगा, ये सारे धागे प्रभु आप ही से जुड़े हैं। आपने मुझे अपने प्यार में पागल बनाया है, घर परिवार भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अब क्या होने वाला है? होशियार हो जाओ मेरे बाबा। क्यों? तेरी कचहरी होगी और जज भी तू ही होगा। बाबा अब जीतो कैसे, तुम कैसे जीतोगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे हजारों सैकड़ों प्रेमी हैं जो खड़े हो जाएंगे मेरी बात को सत्य साबित करने के लिए कि प्यार का जादू चलाता है मेरा सांवरा। और एक बार जो वहां जाता है ना, फिर यही कहता है ये शाम का जादू है और सर चढ़ के बोलेगा। इसीलिए बाबा आंसू भरो तुझे पे, बन जाए बात हमारी। और बाबा मैं तुम पर केस करूंगा मेरे बाबा लखदातारी। सहारे की जय। बोलिए लखदातारी की।
दंते उठा के बोलो राधे राधे राधे।